सो हे गेमर गैंग, स्वागत है तुम सभी के यार दो ब्रांड न्यू पबजी द मोबाइल आईटी की हिंदी वाली गेम प्ले वीडियो में। खैर पायलट प्लाजा उतर रखे, मेरे को उतरते कुछ सस्ती से तो गन मिल चुकी है और सामने दो बंदे। अब दोनों बंदे यार हड़बड़ा चुके थे क्योंकि एक बंदे को तो बहुत गंदा भरा था मैंने दूर से, और वो दोनों नीचे कूदकर सीधा बिल्डिंग के अंदर घुस गए होते हैं। और यार एक बंदा तो मेरे को सामने की तरफ दिख जाता उतरते, लेकिन इसका जब दूसरा बंदा आता ना मेरी फटके 64 हो जाती है। अब क्योंकि इसके दूसरे बंदे के पास होती है भैया S12K, अब मैंने भी सोच लिया था यार कि पहले तो S12K वाले बंदे को पूरी तरह से नॉक करेंगे, क्योंकि अगर वो बच गया तो मतलब मेरे लग जाएंगे। तो पहले उसको नॉक किया, अब उसका एक और टीममेट पहले तो मेरे पीछे लग गया था, लेकिन शायद उसकी भी हेल्थ बहुत कम होती होगी। तुमने यार स्टार्टिंग में देखा था कि मैंने बहुत गंदा डैमेज दिया था उसको, तो वो भी नीचे जाकर छुप गया होता है और बस मेरे हाथ में शॉटगन है तो बस भरते हैं। अब तुमको भी गाड़ी की आवाज़ आई गई होगी और उसमें शायद इनका तीसरा बंदा आया होता है, और शायद नहीं यार आया ही होता है। तो पहले तो ये जो बंदा नॉक पड़ा है यहाँ पे इसकी कंप्लीट पेटी बना देते हैं, और फिर मैं बाहर की तरफ जैसे ही निकलता हूँ वो बंदा अंदर आ जाता है और फिर यार बस चिपका देते हैं उसको, इतना सा भी मौका नहीं देते। अब खैर फिलहाल इन लोगों की पेटी बनाने के बाद ना मैं चला जाता हूँ यार आगे की तरफ, और उस तरफ बहुत गंदे साउंड आ रहे थे फायर के। फिलहाल वेयर हाउस के पास जैसे पहुँचता हूँ यहाँ पर मेरे को बंदे का बहुत गंदा फुटस्टेप आता है, और यार उसके हाथ में भी S12K होता है। तो बस यार मैं पहले सोचता हूँ कि बंदा पहले दिख जाए मेरे को, और जिसने पहली फायर करी भाई गेम उसी का होता है। उसके हाथ में भी S12K, मेरे हाथ में भी S12K, बस देखो यहाँ पर क्या होता है। और लॉन्डो जैसा कि तुमने देखा मैंने इस बंदे को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया, और फाइनली ये बंदा मेरे सामने नॉक पड़ा। अब इसका एक और टीममेट मेरे को दिख जाता है दूर, और अभी भी ना सामने की तरफ से बहुत गंदे साउंड आ रहे थे। पता नहीं कौन सी बिल्डिंग में बंदे लड़ रहे थे लेकिन बहुत गंदा साउंड आ रहा था जो भी था। और फिलहाल जिस बंदे को मैंने नॉक किया ना सामने की तरफ वहाँ पे जा रहा था मैं, मेरे को ये लग रहा था कि उस बंदे का टीममेट उसको रिवाइव करने आ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो बंदा भाग गया होता कहीं पर। मेरे को लग रहा था कि यार एक टाइम के लिए रिवाइव हो गया होगा इतनी जल्दी, बट ऐसा नहीं होता, वो अभी पीछे की तरफ छुप रहा होता। और यार बस पूरी पेटी बनाते इसकी। अब मैं जैसे ही सामने वाली बिल्डिंग में चढ़ता हूँ यहाँ पर मेरे को सामने की तरफ गजब का नज़ारा देखने को मिलता है भैया। चार चार बंदे ओपन में खड़े होते हैं और एक बंदे को फिलहाल यहाँ से एंगल मस्त मिल रहा था तो मैं नॉक कर देता हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर मेरे को दूसरे बंदे पर भी एंगल मिल जाता है, और मैंने इनके ऊपर रश तो कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता यार इसके टोटल चार बंदे यहाँ पर थे या तीन बंदे थे। लेकिन यहाँ पर जैसे पहुँचता हूँ एक बंदा मेरे को पहले दिखता है, और इसने शायद अपने टीममेट्स को रिवाइव कर दिया होता है। खैर ये बंदा जाते जाते ना मेरे को बहुत गंदा डैमेज देके जाता है। अब यहाँ पर मेरे को फुटस्टेप आते हैं इसके एक और टीममेट के, जो कि भगता भगता इसी तरफ आ रहा होता है, लेकिन यार उसको मेरी लोकेशन नहीं पता होती। और ये जो बंदा लास्ट में मरा ना यार इसको मैंने सबसे पहले नॉक किया होता है, और इसी के साथ ये वाली टीम भी खत्म हो चुकी है और पायलट प्लाजा पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब गाड़ी पायलट प्लाजा में जो होती है यार वो तो कोई और ही बंदे उठा के भाग गए होते हैं, तो मेरे को पीछे से गाड़ी उठानी पड़ती है, और जोन जो है थर्ड हिल में बना हुआ था, तो मैं यार रस्ते से चुपचाप जा ही रहा था थर्ड हिल, इतने मेरे को एक भीड़े वाला स्कूटर वाला बंदा मिलता है जो कि बीच में गाड़ी चेंज करने के लिए रुकता है, और देखो बस क्या हादसा होता है इसके साथ। और ये लौंडा यार आराम से निकल सकता था, यहाँ पे गाड़ी पे बैठ चुका था, लेकिन इसको तो अपनी प्रोनस दिखानी है तो इसी चक्कर में इसकी पेटी बन जाती है। अब गाड़ी लेकर मैं ओल्ड बेसिन आ चुका था, और यहाँ पर मेरे को फ्लेयर दिखता है जो कि विस्ता की तरफ चली होती है, तो मैं गाड़ी उठाकर सीधा वहाँ पर चल लेता हूँ और फ्लेयर से बहुत दूर गाड़ी रोक लेता हूँ, और वहाँ पर पूरी की पूरी एक स्क्वाड मिलती है मेरे को। तो बस देखो यार कैसे पेटी बनाते हैं इनकी। और ये वाले भाई साहब यार शायद ओपन में खड़े होकर स्मोक डालने का प्लान ही बना रहे थे। अब इनका एक और बंदा जो कि सांप बना पड़ा आगे, और इसी के साथ यहाँ पे मेरे 13 किल्स हो चुके हैं, लेकिन आगे एक भी किल नहीं मिलने वाला क्योंकि आगे दो ही बंदे बच रहे लास्ट के, और इनके हाथ में वो चीज़ होती है ना जो नहीं होनी चाहिए, बस देखो क्या होता है। और यहाँ पे मेरी खुद की गलती की वजह से मैं मरता हूँ यार, एम दरअसल मेरा चोक हो गया था, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था एम मेरे से। तो बस देखो यार सामने वाले के हाथ में RPG और बहुत ही प्यारी मौत मरने वाले हैं।
और यार खैर क्या कर सकते हैं, आरपीजी और एस्ट्रल के इन दोनों चीजों के सामने टिकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड गेम प्ले में। इसमें यार अपन डुओ वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं और अपन उतर रखे फैक्ट्री जहां पर बहुत सारे बंदे आए थे। फुटस्टेप तो बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं लेकिन किल ना सिर्फ दो ही मिलने वाले, वो भी ऐसे दो जो कि चोरी किए वाले होते हैं। अब दो किल चोरी हो चुके और यहाँ पर एक और बंदा है सामने, लेकिन सारी की सारी गोलियाँ ना लग जाती हैं इस खिड़कियों में, खिड़की रेलिंग्स जो भी बटावर जो भी बोलो। अब यार ये जो बंदा है ये ऊपर की तरफ भाग गया होता है और बार बार ऊपर नीचे हो जा रहा था, जिसकी वजह से किल मेरा नहीं हो पाता। S12K से क्वीन अपनी किल चुरा लेती है। अब क्योंकि यार बहुत सारे बंदे आते हुए दिखे थे यहाँ पर और बंदे जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ, अब आगे की तरफ घरों की तरफ जा रहे होते हैं और देखना गजब के कैंपर्स मिलने वाले हैं यहाँ पे। अब जरा तुम क्वीन का टैलेंट देखो। नहीं, हमको ज्ञान बांट रही है कि ओपन में नहीं जाना चाहिए और खुद एकदम ओपन से आ रही होती है। और यार सामने वाले बंदे क्या ही गजब के कैंपर, दो बंदे तो ऑलरेडी छत पे हैं, लेकिन ना इसका तीसरा टीममेट भी छत के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, जिसको यार अपन ने नीचे ला दिया। अब मैं भी जो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लूं और एक बंदे को पहले डाउन कर देते हैं यहाँ से, जो कि बार बार पीट दिया जा रहा था ऊपर से। अब क्योंकि मैंने छत वाले एक बंदे को नॉक कर रखा है तो उसका सेकंड टीममेट जो ऊपर है वो अभी रिवाइव देने में लगा होगा, तो मैं भी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज कर लूँ जरा, मैं भी छत के ऊपर आ जाता हूँ। यार वो बंदा रिवाइव नहीं दे रहा होता और अब ये जो दो बंदे ने ये नॉक पड़े हैं। अब इनके यार और भी जो टीममेट है वो अंदर घर के छत पे घुसे पड़े हैं, तो मैं यहाँ पे एक और बार जरा सा अपना दिमाग लगाता हूँ और आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मेरे को एक बंदे की खोपड़ी दिखती है। और ये जो लास्ट का बंदा था यार किसी को तो रिवाइव दे रहा था अंदर, और शायद वो बंदा अपनी ही मॉली पे खुद ही नॉक हो चुका था और ये रिवाइव खेल रहे थे। खैर जो भी हो, इनकी स्क्वाड भी फिनिश हो चुकी है, फैक्ट्री पूरी तरह से क्लियर है और नीचे केव की तरफ बंदे, और वहाँ पर देखना एक प्यारा सा तुमको S12K से स्क्वाड क्लच देखने को मिलेगा, जो कि मैं नहीं करता यार, क्वीन करने वाली है। और यहाँ पर क्या ही मेरा एम चिपका था, खैर जो भी हो क्वीन बचा लेती है यहाँ पे। अब एक लाइक जरूर से कर देना वीडियो को क्वीन के नाम। अब देखो क्वीन क्या कहती है, अब फिलहाल फैक्ट्री से सुरक्षित निकल जाते हैं क्वीन की दया से। अब यार स्टेडियम जा रहे होते हैं और इतने में बीच में ना लड़ाई झगड़े की साउंड आ जाती है और कुछ बंदे ओपन में मिल जाते हैं यार, और उनको हमारी लोकेशन के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता, तो यार इस चीज का फायदा तो अपन उठाएंगे। और यहाँ पर आकर ना इन लोगों का किल भी कंफर्म कर लेते हैं पूरी तरह से। और यार क्योंकि ये सामने वेयर हाउस की तरफ किसी से तो फाइट ले रहे होते हैं, और इतने मेरे को एक बंदा भी भगता हुआ दिखता है साइड में से, तो मैं पूरा ध्यान उसकी तरफ लगा देता हूँ क्योंकि वो अकेला होता है। और जैसे ही उस बंदे पे मैं फायर करता, क्वीन अपनी हो चुकी थी नॉक और वेयर हाउस वाले बंदे भी यार ओपन में दिख जाते हैं। और लॉन्डो यहाँ पर एक बंदे को तो पूरी तरह से नॉक ही कर देते हैं, और एक और जो बंदा होता है उस पर एम बैठाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्वीन पड़ी थी नॉक, उसको भी रिवाइव देना जरूरी था। अब वहाँ पर स्मोक हो चुका और देखना स्मोक में क्या ही एडजस्ट करके बंदे की पेटी बनाएंगे, पेटी नहीं यार नॉक करेंगे। और लॉन्डो इसे कहते हैं परफेक्ट स्मोक में एडजस्ट करके मारना, मतलब क्या ही किस्मत थी और बंदा वहीं पर बैठा था। फिलहाल वो नॉक हो चुका है और मुझे लग रहा था कि यार इसके टीममेट आकर अभी स्मोक में रिवाइव दे रहे होंगे, तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए एक नेट कर देता हूँ, लेकिन बंदा वहाँ पर नहीं होता यार, बंदे पीछे की तरफ भाग गए होते और वहाँ पर उनका लास्ट टीममेट दिखता है मेरे को, और उसे देखना यार दौड़ते दौड़ते बंदे की पेटी बना देंगे।
अब बच रहे हैं लास्ट के सिर्फ दो बंदे जो कि अलग अलग टीम के होते हैं और वो आपस में फाइट ले रहे होते हैं और इतने में हमको दिख जाते हैं यार। फायर का साउंड आ जाता है तो अपन भी साउंड के पीछे पीछे दौड़ लेते हैं और एक बंदा तो गाड़ी लेके निकल जाता है लेकिन यार एक बंदा अभी भी सामने वाले घर में घुसा पड़ा है तो इसे देखना क्या ही नेट मारेंगे। और इसी के साथ यहाँ का काम खत्म। तो अपन चुपचाप रुख मोड़ लेते हैं वो लास्ट वाले बंदे के ऊपर और वो सामने ना विलेज में जाकर यार छुप गया होता है। विलेज के नीचे वाले घर पता नहीं इसका भी कुछ नाम होना चाहिए यार, बहुत पॉपुलर जगह है वो, तो वहाँ पर जाकर छुप जाता है और यार टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर रहा होता है वो लौंडा भी घर के छत में जाकर छुपा होता है तो मेरे को दिख जाता है और अपन पेटी बना देते हैं उसकी पूरी तरह से। और यार गेमर्स इसी के साथ कर लेते हैं विनर विनर चिकन डिनर। तो आई होप गेमर्स तुम लोगों को आज का ये वाला गेम प्ले जरूर से पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कर देना है और चैनल को चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मेरा सेकंड चैनल है और लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी जरूर से फॉलो कर लेना याद से और मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट गेम प्ले में तगड़े से वीडियो के साथ। तब तक के लिए ना बाय।